मित्रों नमस्कार। कल 5 जुलाई 2020 का दिन है। कल रविवार का दिन भी है और कल ही पूर्णमासी भी है। कल की पूर्णमासी कुछ खास अहमियत रखती है क्योंकि कल के दिन हम व्यास पूजा का कार्यक्रम करते हैं और कल पूर्णमासी वाले दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इस वजह से भी कल एक विशेष योग बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर चंद्रमा को भी एक ग्रह माना गया है। हालांकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इसे हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इसको ग्रह मानते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर और शरीर पर पड़ता है और यह चीज़ हमने होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी देखी है। जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पता लगता है कि किसी रोगी को फुल मून पर या किसी को न्यू मून पर या किसी को वेनिंग मून पर या किसी को किसी और तिथि पर रोग बढ़ जाता है या किसी का रोग घट जाता है। तो इस वजह से चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और जब अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो उसका हमारे शरीर पर और मस्तिष्क पर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमें यह नोट करना चाहिए जिससे कि हमें यह पता लग सके कि चंद्रमा का प्रभाव चंद्र ग्रहण के समय में हमारे शरीर पर कैसा रहता है। और उन सिम्टम्स को जब हम नोट करेंगे और अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वह हमारे रोग को दूर करने में सहायक होंगे। जिस तरह से थोड़े से मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि अगर व्यक्ति का मन मस्तिष्क पे अवसाद का कारण रहता है और वह डिप्रेशन में रहता है तो उसके अंदर एंटीमोनियम क्रूडम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि रोगी की आँखों का संबंध न्यू मून या फुल मून से होता है तो उसके अंदर ऑरम मेटेलिकम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरह से अगर हम कानों की बात करें तो कानों के रोगों में कान के अंदर दर्द हो रहा हो और भी कोई अन्य कोई कान का रोग हो तो उसके अंदर सलीशा नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह अगर हम देखें एस्थमा का भी न्यू मून फुल मून या वेनिंग मून से संबंध होता है। जब यह चंद्रमा से अगर इसका कोई संबंध है एस्थमा का तो उसके अंदर होम्योपैथी की एस्पोंजिया नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर हम देखें कि अगर यूरिनरी ट्रबल्स हैं और उसका चंद्रमा से कोई संबंध है तो उसके अंदर भी होम्योपैथी की कई दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर किसी रोगी का सेक्सुअल स्फीयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो और उसका चंद्रमा से भी कोई संबंध हो तो उसके अंदर एंटीमोनियम क्रूडम बूफो आदि अनेक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इस प्रकार से अगर मैं इसके ऊपर पूरी बात बतानी शुरू करूँगा तो यह वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, लेकिन मैं बस इतना सही थोड़ा सा इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर और शरीर के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है। तो कल मौका है कि चंद्र ग्रहण के समय हम देखें कि हमारे शरीर के मन के और मस्तिष्क के ऊपर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है और उन सिम्टम्स को हम नोट करें और अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं जिससे वह आपके रोग को दूर कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।